राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार और सोमवार को कोसली के दो अलग अलग होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाने के साथ साथ मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को मनोज कोसलिया द्वारा किए गए होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सोमवार को रोड़ाई गाँव स्थित होली मिलन कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार को अहंकारी बताया और कहा कि जनता या कोई भी जब वर्ग सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो सरकार को उसमें विपक्ष का हाथ नजर आता है। बता दें कि एक दिन पहले रेवाड़ी पहुंचे निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा था कि सरपंचों के आंदोलन के पीछे राजनीति है, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रेवाड़ी में बनने वाले एम्स को लेकर भी खट्टर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। पिछले चुनाव में फायदा लेने के लिए एम्स की घोषणा कराई गई और अब अगले चुनाव में फायदा लेने के लिए आधारशिला रखे जाने की बातें की जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि एम्स निर्माण के लिए आज तक एक ईंट नहीं लगी है। आप एक बात बताओ, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, जब अही रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, जब देश का खिलाड़ी बैठा था जंतर मंतर पर तब इन्होंने कहा विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, जब कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये सरकार हर चीज़ में राजनीतिक दृष्टि से हर बात को देखे, कोई भी वर्ग अपनी बात रखे तो उस वर्ग की, जब अभी पीछे सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों ने अपने मानदेय के लिए आंदोलन किया उस पर लाठीचार्ज हुआ तब भी इन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। तो ये इस तरह का मैं समझता हूँ कि सरकार के जो वक्तव्य बयान आते हैं सरकार के मंत्रियों द्वारा वो सही नहीं, उचित नहीं है, वो उनके अहंकार को प्रदर्शित करने का काम लोग कर रहे हैं। प्रजातंत्र में कोई भी सरकार जनता के अपमान से नहीं चलती, जनता का मान सम्मान करके सरकारों को अब अपना प्रजातंत्र में कार्यशैली चलाने की होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा के अंदर 498 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया सरकार, वो उसका बैकड्रॉप ये था हरियाणा में कि 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या ना होने के कारण की वजह से, बच्चों की संख्या के कारण नहीं हरियाणा के अंदर ना, उसकी वजह से ना तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल पाया, कितनों की जो है पात्रता का समय सीमा समाप्त हो गया, उनके भविष्य बर्बाद हो गए हरियाणा के अंदर, और दूसरी ओर स्कूलों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया जिसकी वजह से बच्चों तक को धरनों पर बैठना पड़ा। हरियाणा की ये स्थिति है मनेठी एम्स का, कि मनेठी एम्स सरकार 9 साल हो गए, 2014 में इसकी घोषणा की गई थी, 14 से 5 साल लगे केवल कैबिनेट को पास कराने में, 2019 के चुनाव से जस्ट पहले कैबिनेट में वो पास करा दिया ताकि 19 के चुनाव में इसकी मदद लें। अब दोबारा से 4 साल से ऊपर टाइम हो गया, एक ईंट भी वहाँ पे धरातल पे सरकार के कोई अभी तक, तो ये अब कब तक काम शुरू होगा? और ये अगर फाउंडेशन रखेंगे भी 24 से पहले तो कौन विश्वास करेगा? अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 14 में घोषणा, 5 साल के बाद कैबिनेट में पास, 5 साल के बाद फाउंडेशन स्टोन, उसके 5 साल के बाद ये भूमि पूजन करेंगे, तो ये तो अपना जो है ये एक बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है मनेठी एम्स के लिए। संसद से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे, देश के हर प्रदेश में एम्स बन चुका है, तो खट्टर सरकार की इस पे क्या मंशा है, खट्टर सरकार की क्या इसमें ऐसा नियत, ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार की नियत इस मनेठी एम्स को बनवाने की नहीं है, इसको इसमें विलंब कराने की नियत खट्टर सरकार की दिखाई दे रही है, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से खट्टर सरकार पे पूरे स्पष्ट रूप से ऐसा मेरा आरोप है।